गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो कि अपने आप को क्राइम ब्रांच में बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे, साथ ही ऊंचा रौब गालिब करते थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से फर्जी पुलिस की वर्दी, आई कार्ड और अवैध असलहा भी बरामद किया है। जी हाँ, पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दोनों शातिर बदमाश हैं। सुनीत एवं मुकुल ये दोनों बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों को अपना रौब झाड़ने के लिए अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिस वाले बताते थे, पुलिस वाला बताकर लोगों से पैसा भी वसूलने के काम करते थे। विजयनगर निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन बदमाशों को धर दबोचा। ये दोनों अपने को क्राइम ब्रांच का बताकर महिला को धमका रहे थे और उनसे जबरन वसूली करना चाहते थे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इनकी असलियत खुली। पुलिस ने इनके पास से पुलिस की फर्जी वर्दी, फर्जी आई कार्ड, 32 बोर की पिस्टल एवं एक तमंचा बरामद किया है। ये शातिराना अंदाज में पुलिस वालों की तरह ही पिस्टल लगाकर चलते थे। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दोनों साथी अपराधी हैं और पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। मिलने पर आज विजयनगर पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि दो वे शातिर अभियुक्त जो कि पहले से भी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है वे गिरफ्तार किए गए हैं और ये नकली पुलिस वाला बन करके और क्राइम ब्रांच का बन करके या किसी और संस्था का बन करके वहीं का काम करते थे और मुकदमा जो पंजीकृत किया गया था उसी क्रम में इनको PCR का कस्टडी रिमांड भी लेंगे हम लोग। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है। पिस्टल में अपनी डोरी भी वैसे ही इस्तेमाल करते थे जो अमूमन एक पुलिसकर्मी इस्तेमाल करता है। इनके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुआ है जो मानवाधिकार या क्राइम के नाम पर ये लोग यूज किया करते थे। तो एक फर्जी संगठन था, एक फर्जी गिरोह था जो कि नकली पुलिस वाला बन करके अवैध उगाही का काम करते थे। विजयनगर पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, इसके लिए SSP साहब के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जा रही 25,000 रुपये इनाम की। बढ़िया काम हुआ है और हम लोग और भी इनसे गहन पूछताछ करेंगे।